तो दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। इससे होगा ये कि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूंगा उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखोगे कि पोस्ट वाइज जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उसका जॉब प्रोफाइल क्या क्या है, उसकी सैलरी कितनी है, फीमेल के लिए कितनी वैकेंसी सुटेबल रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम और मेडिकल एग्ज़ाम क्या रहेगा। पूरी जानकारी ये वीडियो मैंने गोल्डन इरा एजुकेशन वीडियो से उठाया है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे भी जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो मुझे अच्छा लगा, इसके लिए मैंने सोचा कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उन तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए, इसके लिए मैं वीडियो आपके पास फिर से बना रहा हूँ। तो दोस्तों, इस सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। आपका कोई भी सवाल या सुझाव कुछ भी रहे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में स्पेशली हम बात करेंगे ग्रुप डी की पोस्टिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी ग्रुप डी की पोस्ट है सबके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों का, लगभग 90% दोस्तों का यही सवाल है कि क्या वर्क प्रोफाइल जो है, जॉब प्रोफाइल होती है किस पोस्ट के लिए, तो प्रत्येक पोस्ट की क्या जॉब प्रोफाइल होती है और लड़कियों के लिए कौन सी पोस्ट जो है सूटेबल रह सकती है, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए, इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ। देखिए, इसके बारे में इन शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो तो आपको पता चली गया होगा, नोटिफिकेशन देख लिया होगा आपने, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे सैलरी की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको जो है 7th पे के बाद में जो सैलरी है आपकी स्टार्टिंग सैलरी वो 18,000 तो आपकी ओनली सैलरी है। उसके बाद में जो भत्ते मिलते हैं इसके अंदर, रेलवे के अंदर दोस्तों इतनी फैसिलिटी है जितनी कि शायद और किसी डिपार्टमेंट में होगी, ठीक है। तो इसके अंदर TA DA HR पता नहीं क्या क्या इतनी सर्विसेज मिलती है बहुत ज़्यादा, और उनको टोटल अगर मिला के अगर हम काउंट करें इन हैंड जो सैलरी होती है हमारे, ठीक है, फाइनल सैलरी, तो वो 22,000 से 23,000 आपको मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। इसमें एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए जो एग्जाम पैटर्न है वो कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि CBT भी, काफ़ी दोस्तों मेरे से पूछते हैं CBT क्या होता है। एक्चुअली ये ऑनलाइन एग्जाम होता है दोस्तों कंप्यूटर पे, ठीक है, उसको शॉर्ट में बोलते हैं CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके अंदर आपको जो है सिलेबस मैंने बता दिया है ऑलरेडी, टाइमिंग वगैरह सब कुछ बता दिया है। ये एग्ज़ाम आपको जो ही क्लियर कर लेते हो आप फर्स्ट एग्ज़ाम, उसके बाद में आपका यहाँ पे सेकंड कोई एग्ज़ाम नहीं होता, ओनली इसमें जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है, यानी कि फिजिकल होता है आपका इसमें, ठीक है, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपका, ये इसकी एग्ज़ाम प्रोसेस है, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद में पोस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए ITI और 10वीं पास दोनों के लिए है। कुछ दोस्त पूछते हैं कि मैंने 12वीं कर रखी है, कॉलेज कर रखा है, तो देखिए कुछ भी कर रखा हो 10वीं के अलावा, अगर आपने अब ITI के अलावा कुछ भी कर रखा है, BTEC BA MSc जो भी साइंस वगैरह कुछ भी, तो आप जो है भर सकते हो 10वीं की पोस्ट के लिए, जो कि आपने जो नोटिफिकेशन देखा है उसमें 24 नंबर से जो 28 नंबर तक की पोस्ट है उनके लिए आप जो है भर सकते हो जो 10वीं है उसके अलावा। और जो ITI वाली पोस्ट है वो 1 नंबर से 27 नंबर की जो पोस्ट दे रखी है नोटिफिकेशन में, आपने मैंने आपको शेयर कर दिया है नोटिफिकेशन इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है, तो उसमें आप देख लीजिएगा। तो ये 1 से 27 नंबर की तो ITI वाले भर सकते हैं, और बाकी की जो बिना ITI के जो भी है जो XYZ जो कि BTEC है, BSc MSc MA BA जो भी है, BCOM जो भी है, वो सब इसके लिए भर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल की। देखिए फिजिकल में क्या होने वाला है, जो मेल आदमी है, जो मेल है उनके लिए 35 किलो वजन उठाकर उनको और 100 मीटर तक उनको चलना होगा। कंडीशन यहाँ पे है कि आपको वजन जो है वेट वो गिरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी एक बार भी, और एक ही चांस दिया जाएगा आपको, नहीं कि दोबारा वापस से चांस दिया जाएगा। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन दूसरा है, 100 मीटर की रेस करनी होगी आपको 4 मिनट और 15 सेकंड में, ये भी आपके लिए एक ही चांस मिलेगा और ये एक चांस में पूरा करना है, दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा। अब ये दोनों ही चीज़ें, कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि हाइट भी है क्या इसमें। देखिए हाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, चाहे आप बिल्कुल बोने हो, जैसे कि अभी वो शाहरुख खान की मूवी आ रही है 0, ठीक है, दिसंबर में रिलीज होगी, शायद आपने ट्रेलर देखा हो, उसमें बिल्कुल बोना है, एग्जाम्पल दिया एक्चुअली मैंने, चाहे आप बिल्कुल भी कितने भी लंबे हो, बिग भी जैसे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे हाइट की ज़रूरत नहीं है। अगर फीमेल की बात करता हूँ आपको, वेट जो लेडीज है महिलाएं उनको 20 किलो वेट उठा के 100 मीटर चलना है बिना गिराए, बिना, सेम वही कंडीशन है, गिरना नहीं चाहिए, एक बार में होना चाहिए। दूसरा है 100 मीटर की दौड़ करनी है आपको 5 मिनट और 40 सेकंड में, आपके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा है फीमेल्स के लिए, ठीक है,
तो 100 मीटर की दौड़ एक बार में ही आपको करनी है। ये हो गया फिजिकल का, आपके लिए भी हाइट वगैरह की और इसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं है, बस ये इतना सा ही फिजिकल है, नॉर्मल सा और कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा वेट का यहाँ पे इश्यू हो सकता है आपके साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया जो यहाँ पे इसका जो बेसिक डिटेल्स, अब हम पोस्ट वाइज इसकी बात करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले देखिए, मेरे को काफ़ी दोस्त कमेंट कर रहे थे कि प्रिपरेशन किस हिसाब से की जाए, क्या मतलब कि यहाँ पे, तो देखिए मैं प्रिपरेशन की अगर बात करता हूँ यहाँ पे, तो वैसे मैंने जो बुक्स थी इसके इसके लिए बेस्ट बुक जो स्पीडी वगैरह की, वो उसके लिए वीडियो बना दिया है, ठीक है, वो आपने देख लिया हो। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे चीज़ आपके लिए शेयर करना चाह रहा हूँ, देखिए जो साइंस वाले नोट्स हैं, साइंस के वीडियो मैं यहाँ पे मैं भी आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। शुरू हो जाएगा अपना जो साइंस वाला वीडियो है, जल्दी मैं कंटिन्यू आपके लिए करता रहूँगा, तो साइंस तो आप वहाँ से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में जो रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए आपको जो है बिल्कुल भी कोई ज़्यादा यहाँ पे ऐसी रीजनिंग वाली वाली बिल्कुल नॉर्मल रीजनिंग, तो कोई बुक वगैरह जैसे कि नॉर्मल बुक कोई सी भी ले लीजिए और आप खुद जो है होम स्टडी कर लीजिए, उसके लिए कोई मतलब कोचिंग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ, साइंस हो गई, ठीक है, रीजनिंग हो गई, अब बात करते हैं करंट अफेयर की, जिसमें करंट अफेयर के मैंने जनवरी 2017 से लेके फरवरी जो फर्स्ट वीक है अभी जो चल रही है इसके 2017-18 तक का जो करंट अफेयर के लगभग 5 से 6 वीडियो डाले हैं, वो वीडियो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं करंट अफेयर बोले तो करंट अफेयर हर वीक की, हर मंथ की और क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, सारी करंट अफेयर जो इतनी इंपॉर्टेंट बनती है यहाँ पे आपको रेगुलर प्रोवाइड करवाता जाऊँगा। तो जो दोस्त नए हैं, जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बटन दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले सारे करंट अफेयर वीडियो, इससे रिलेटेड प्रिपरेशन के सारे वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। ये हो गई हमारी करंट अफेयर। अब बचा क्या, मैथ्स। देखिए मैथ्स के लिए मैंने बुक बता दी है स्पीडी की, या फिर उसके जो घटना चक्कर है वो काफ़ी पॉपुलर गाइड वो कर सकते हो आप, उसमें काफ़ी पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर है, ठीक है। और एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो मैंने ऐप एक देखा है, ठीक है, मैथ के लिए काफ़ी अच्छा ऐप है, उसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए, इसमें आपको जो है लेक्चर वगैरह मिल जाएंगे मैथ्स, जो रेलवे के मैथ के लेक्चर है, ठीक है। ये देखिए एक क्विकर मैथ के नाम से है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही इसको ओपन करते हो आप, तो ओपन करने के बाद में देखिए इसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है आपके लिए। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि ये मैथ की ट्रिक्स है, पजल्स आप इसमें देख सकते हो, और क्विज है, जैसे कि मैथ ट्रिक्स पे मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो आपको टॉपिक वाइज ट्रिक्स यहाँ पे मिलेगी, देखिए, ठीक है। टेबल ट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन और स्क्वायर, देखिए अब यहाँ पे ये लाइव वीडियो जो आप देख सकते हो, वीडियो के थ्रू यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। कोई भी वीडियो, जिस भी ट्रिक का आपको वीडियो चाहिए, ये सारे यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा ऐप है, आप देख सकते हो, अगर आपको पसंद आए तो रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में। अब जैसे कि यहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें इसके अंदर, बुक भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हो, जैसे कि जो भी बुक्स वगैरह है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई है, जैसे कि ये यहाँ पे स्पीडी की वगैरह, रेलवे के लिए जितनी भी प्रिपरेशन की बुक थी जो सारी यहाँ पे मिल जाएगी, आपको यहाँ से ले सकते हो। तो ये देख लीजिए आप, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टॉल करके, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करते हैं जो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है जो पोस्ट का उसकी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे गैंग में, जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा सा इश्यू है, नेट ये स्लो है थोड़ा यार डिवाइस, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं गैंगमैन की, जितनी भी पोस्ट है सबकी वर्क यहाँ पे मैं बताऊँगा। तो गैंगमैन का आप फोटो यहाँ पे देख सकते हो, गैंगमैन तो बाकी सभी जानते होंगे कि क्या वर्क होता है। गैंगमैन का काम होता है दोस्तों आउटसाइड होता है, पटरियों पे वर्क, पटरियों के रिपेयर करना, उनको सही करना, ठीक करना, ये गैंगमैन का काम होता है बेसिकली, या बस यही काम होता है गैंगमैन का सारा दिन। बस अगर आप में थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस है और थोड़ा सा जिगरा रखते हो आप इसको, मतलब कि धूप में घूमने का, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो गैंगमैन के लिए। अदरवाइज़ यहाँ पे जो बाकी की ऑफिस पोस्ट भी है जिसमें मैं, और अगर बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट जो है पॉइंट मैन, या फिर लीवर मैन, या स्विच मैन, इन तीनों का जो है एक ही काम होता है, लगभग सिमिलर ही होता है। और ये देख रहे हो आप यहाँ पे पॉइंट मैन क्या होता है, आपने जब कभी ट्रैक पे आप ट्रेन से विजिट कर रहे होते तो आपने साइड में देखा होगा यहाँ पे पटरियों की क्रॉसिंग होती है,
और एक यहाँ पे जो है वो लगा होता है, स्विच लगा होता है, उससे जो कोई भी पर्सन उसको जो है पटरियों की जो है डायरेक्शन चेंज कर सकता है, इधर की ट्रेन जो है उधर भेज सकता है वो, ये इसका काम होता है। तो इसको लीवर वगैरह जो है चेंज करने का काम उसका होता है, लीवर बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं ये मेल्स के लिए, देखिए महिलाओं के लिए मे भी ये सूटेबल ज़्यादा नहीं है, और ये गैंगमैन भी महिलाओं के लिए सूटेबल नहीं है ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं केबिन मैन की। केबिन मैन देखिए क्या होता है, केबिन मैन यहाँ पे आप जब भी कहीं ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं तो बीच बीच में आपको रास्ते में कुछ रेलवे के केबिन्स मिलते हैं, ठीक है, जिसमें आपको सिग्नल से रिलेटेड आपको सूचना मिलती है, और जो झंडिया वगैरह है उनसे रिलेटेड आपको जो है यहाँ पे सूचना मिलती है केबिन में। तो ये महिलाओं के लिए केबिन वाली जो पोस्ट है ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है, अब महिलाएँ इसके लिए जो है अप्लाई कर सकती है, ये एक बिल्कुल इंडोर वर्क है, ठीक है। उसके बाद में सेंटर, जो यहाँ पे सेंटर है, सेंटर देखिए सेंटर क्या होता है, सेंटर की पोस्ट भी यहाँ पे एक मोस्टली जो है रेलवे की जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे यही वर्क होता है, जो ट्रेनों का जो यहाँ पे बीच में कनेक्शन किया जाता है वो सेंटिंग कहलाता है दोस्तों। जैसे कि दो डिब्बों के बीच में जो यहाँ पे देखिए कनेक्शन किया जा रहा है इसको क्या बोलते हैं, सेंटिंग बोलते हैं। तो ये सारा काम करने जो काम करता है ये करने का वो कौन करता है, सेंटर करता है। तो सेंटर की पोस्ट के अंदर ये चीज़ें आती है। अब देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ, जितनी भी पोस्ट है यहाँ पे इस ग्रुप डी के अंदर, जो ये सारी पोस्ट ग्रुप डी के अंदर आ रही है, ठीक है, इनकी सैलरी चाहे आपको कोई सी भी पोस्ट मिले सैलरी जो है आपकी 18,000 से ही शुरू होगी, लेकिन यहाँ पे आप जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आप 22 से 23 हज़ार रुपये आपको मिल जाएंगे, लेकिन और भी ज़्यादा आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है पार्ट टाइम जो है एक्स्ट्रा टाइम आप काम करके भी अर्न कर सकते हो, जैसे कि गैंगमैन वगैरह की जो पोस्टिंग है थोड़ा ओवरलोड आप करके जो है और भी ज़्यादा आप 30 से 35 हज़ार रुपये तक आप आराम से जो है अर्न कर सकते हो, तो एक्स्ट्रा टाइम का भी यहाँ पे आपको पैसा मिलता है। एक है वेल्डर, देखिए वेल्डर जो है यहाँ पे क्या होता है कि ये पटरियों की जो वेल्डिंग वगैरह होती है उसका काम कौन करता है, वेल्डर करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करते हैं फिटर की, फिटर एक इंडोर वर्क होता है जिसमें जो रेलवे के इंजन्स वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड वर्क होता है, ठीक है, तो ये फिटर का वर्क होता है, ईजिली महिला वगैरह इसको ज्वाइन कर सकती है। हॉस्पिटल एंड मेडिकल अटेंडेंट महिलाओं के लिए काफ़ी बेस्ट होस्ट है ये दोस्तों, महिलाएं इसको अच्छे से भर सकती है, इंडोर वर्क होता है, आराम से इसको जो है कर सकती है, हॉस्पिटल से रिलेटेड जो मेडिकल फैसिलिटी वगैरह इनसे रिलेटेड ये वो वर्क होता है, ठीक है। ये हो गया हॉस्पिटल एंड अटेंडेंट का, तो ये महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी है, इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पोर्टर की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए पोर्टर में जो है यहाँ पे वो खलासी वगैरह जो भी है ये देखिए आप ऐसे वर्क्स जो इसमें आते हैं, इसमें भी आप महिलाएं चाहे तो ज्वाइन कर सकती है, वैसे महिलाओं के लिए भी है सारी पोस्ट है, लेकिन जो आपको सूटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। तो ये है पोर्टर के लिए, ठीक है, पोर्टर की पोस्ट के लिए। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हेल्पर एंड या फिर ट्रैकमैन, जो हेल्पर में आती है ये ट्रैकमैन वाली पोस्ट, ठीक है, ये सारी हेल्पर की है पोस्ट है ट्रैकमैन। इसमें क्या होता है कि जो हेल्पिंग का काम होता है, क्या काम होता है कि जो रेलवे की पटरियाँ वगैरह होती है उनको जोड़ना हटाना साइड में करना, ये ट्रैकमैन का काम होता है। किसके लिए होता है, ट्रैकमैन के लिए, ये देख रहे हो आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो इजीली आप, इसमें ये सारा काम होता है ट्रैकमैन में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं वर्कशॉप में, हेल्पर के अंदर ये एक पोस्ट और आती है वर्कशॉप, वर्कशॉप भी एक इंडोर का वर्क है दोस्तों, महिलाएं भी इसके लिए अच्छे से मतलब कि कर सकती है, काफ़ी महिलाओं के लिए भी सूटेबल है। इनका कार्य होता है रेलवे जो इंजन है उनके डिब्बों का निर्माण करना, उनसे संबंधित कार्य जो है इसमें आता है वर्कशॉप, एक रेलवे की पूरी वर्कशॉप होती है दोस्तों, जिसमें रेलवे के डिब्बे वगैरह बनते हैं उनसे रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो वर्कशॉप में ही होता है। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्रैकमैन, हेल्पर के अंदर एक और पोस्ट आती है ट्रैकमैन। ट्रैकमैन का क्या काम होता है कि रेलवे लाइंस पर आपने कभी जब आप विजिट कर रहे हो रेल से ट्रेन से अगर यात्रा कर रहे हो तो आपको साइड व्यू वाली पटरी पे ऐसी मशीनें खड़ी दिखी होगी या फिर चलती हुई, वहाँ पे कुछ लोग उससे काम करते हैं, तो ये होता है दोस्तों ट्रैकमैन का काम, ऐसे मशीनों से जो ट्रैक है उसको एडजस्ट करना मैनेज करना, ये ट्रैक मशीन का काम होता है, ठीक है, ट्रैक मशीन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हेल्पर सिग्नल के लिए,
देख ले सिग्नल, जो सिग्नल है, सिग्नल में क्या होता है, सिग्नल एंड टेलीकॉम की जो पोस्ट होती है, सिग्नल एंड टेलीकॉम की, उसके अंदर क्या होता है कि जितने भी यहाँ पे सिग्नल वगैरह की जो देखभाल होती है, रिपेयरिंग होती है, वो कौन करता है, ये ही करता है जो यहाँ पे सिग्नल एंड टेलीकॉम वाली पोस्ट वाले लोग ही करते हैं। आपको ये इंडोर भी काम मिलता है, आउटडोर भी मिलता है, पटरियों पे कहीं पे भी, जैसे कि बाहर भी जो सिग्नल लगे होते हैं पटरियों पे, उनकी देखभाल करना, उनकी रिपेयर करना, इसी का काम होता है सिग्नल एंड टेलीकॉम वाला का। उसके बाद में बात करते हैं हेल्पर जो होता है कैरियज एंड वेगन्स का। इसके अंदर ही हेल्पर के अंदर ये एक और पोस्ट है कैरियज एंड वेगन। इनका मतलब क्या होता है कि दोस्तों जो डिब्बे होते हैं रेल डिब्बे, उनसे रिलेटेड वर्क होता है इनका भी। जो डिब्बा है, रेल डिब्बे होते हैं, वैगन्स होते हैं, उनका रख रखाव, उनकी जो भी वर्क होता है, ये इसी के अंदर आता है कैरेज एंड वैगन्स के अंदर। ठीक है, ये काम इसके अंदर आता है। अब बात करते हैं गेटमैन की। देखिए गेटमैन भी आराम से जो है महिलाएं इसके लिए अप्लाई कर सकती है। ये भी एक बिल्कुल घूमने वाला काम नहीं होता, एक बिल्कुल यहाँ पे आपको रूम मिलता है। जैसे आपने देखा होगा गेटमैन एक्चुअली होता क्या है, आप विजिट कर रहे हो तो बीच बीच में आपको क्रॉसिंग मिलती है, फाटक मिलती है, जिसे बोलते हैं हम फाटक। ठीक है, तो रेलवे फाटक जो होती है उसको ओपन करना, क्लोज करना, इसी का ही काम होता है गेटमैन का। तो ये महिला फीमेल दोनों, मेल फीमेल दोनों आराम से कर सकते हैं इसे। ठीक है, महिलाओं के लिए भी ये सूटेबल है। तो ये दो तीन पोस्ट जो मैंने बताई है महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो जितनी भी पोस्ट है मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आओगी सारी बातें। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हाँ, इसकी जो स्टडी मटेरियल है वो मैं जल्दी शुरू करूँगा, साइंस के जो टॉपिक्स है जल्दी करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और आगे के हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, जिससे कि सारे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें सबसे पहले। अभी के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जल्दी ही लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ।